नुह कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने तावड़ू अनाज मंडी का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने मंडी में व्यापारियों और किसानों के साथ एक मीटिंग की। विधायक आफताब अहमद ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों की पूरी फसल खरीदने का दावा किया था, जो बिल्कुल निराधार है। जिले में किसानों फसल पंजीकरण कराने के बाद भी उनकी पूरी फसल की खरीद नहीं हो पाई, खरीदने के बाद समय पर भुगतान भी नहीं किया गया। नुह विधायक आफताब अहमद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि खट्टर सरकार ने किसानों की फसल को खरीद करने के बाद 30 घंटे का भुगतान करने का दावा किया था, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी किसानों की फसल का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि लॉकडाउन के नाम पर फसल भुगतान से पहले ही कोरोना फंड के नाम से उनके खाते से राशि काट ली गई। मंडी में निरीक्षण करने के बाद विधायक ने सरकार पर हमला करते हुए बोला कि मंडी में अभी भी बड़ी संख्या में फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, जिसका उठान नहीं हो पाया है, और बरसात के मौसम में फसल पहले भी भीगती रही है और अभी भी भीगने का पूरा खतरा है। इसके लिए सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। विधायक ने कहा है कि हरियाणा सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। आज तावड़ू मंडी में आपका जो दौरा हुआ था, क्या क्या आपने कमियाँ पाई है मंडी में? सबसे पहले तो जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 अब शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों की जो बेबसी है वो मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ बातें ज़्यादा करती है, वादे ज़्यादा करती है, ख्वाब ज़्यादा दिखाती है, लेकिन किसानों की उसको कोई परवाह नहीं है। किसानों की ना तो सरसों की ना गेहूँ की पूरी तरीके से खरीद ही कर पाई, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए उनकी भी नहीं कर पाई, और जिनकी ले भी ली तो एक एक महीने बाद उनकी पेमेंट जो है, किसान किस पूरी अपनी मेहनत कश पूरे अपनी साल की कमाई को एक एक महीना किसकी इंतजार में रहे, और जब वो कुछ मिल भी रही है एक एक महीने बाद, उसमें बिना उसकी स्वेच्छा के, बिना इच्छा के कोरोना के नाम पे, फंड के नाम पे उसकी कटौती की जा रही है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज हमने देखा, बरसात का मौसम आने वाला है, ये सारा जो लगा हुआ है गेहूँ किस तरीके से, किस इंजाम है कि मतलब जो है ये ख़राब होएगा, मतलब सरकार की बद इंजामी का आप ये इससे बुरा आलम नहीं दे सकते। और हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी सरकार, और खट्टर साहब ने कहा था कि हम 72 घंटे में पेमेंट देंगे, 30 दिन बाद भी ये पेमेंट नहीं दे पा रही, तो ये सरकार किसानों के साथ सरासर धोखा कर रही है, और उनके हकूक को जो है उनको अपने हाथ में लेके उनको मजबूर कर रही है कि किसान कटोरा लेके इनके सामने गिड़गिड़ाए, कहीं धान का फैसला करते हैं, कहीं इसी तरीके से तुगलकी फैसले करके ये सरकार किसानों को बर्बाद कर रही है।